मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन क्या होता है उसके लिए एक डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन एलिमेंट। इसको समझते हैं, लेट करते हैं। देयर इज टू सेट्स A एंड अदर इज B, ओके। और इसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये है P, Q, R एंड दिस इज 1, 2, 3, ओके। एंड दिस इज ए फंक्शन, इसको मैंने एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है। हमने पहले पढ़ा है जो फर्स्ट होता है उसको हम डोमेन, ये हमारा डोमेन एंड दिस इज को डोमेन, ओके। एंड पी रिलेट टू 1, क्यू रिलेट टू 2 एंड आर रिलेट टू 3, ओके। अगर आपका हर एक एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से मिलता है, यानी कि आपका जो डोमेन है, डोमेन की कोई वैल्यू आपकी ब्लैंक नहीं रहती है, यानी कि उसका किसी ना किसी एक वैल्यू से अदर से रिलेशन होगा, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन, ओके। तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं रहना चाहिए और उसका एक यूनिक रिलेशन रहता है, ओके। तो जिससे ये रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन की वैल्यू को रेंज, वैल्यू हो जाएगी हमारी रेंज, ओके। और इसको क्या बोल सकते हो, वन इज द इमेज ऑफ फंक्शन पी एंड टू इज द इमेज ऑफ फंक्शन क्यू, सिमिलरली थ्री इज द फंक्शन ऑफ आर, और इन वैल्यूज को हम बोलते हैं प्री इमेज, ओके। तो फंक्शन को चेक करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि वो, यानी कि चेकिंग करते हैं फंक्शन की कैसे हो सकता है। जस्ट सपोज करते हैं पी रिलेट करता है 1 को, क्यू रिलेट करता है 2 को और आर रिलेट करता है 3 को, तो क्या ये एक फंक्शन है? तो ये एक फंक्शन होगा क्योंकि इसमें ईच डोमेन की वैल्यू को डोमेन से रिलेट करती है, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये उस कंडीशन में हमारा ये फंक्शन होगा, यानी कि पी रिलेट टू 1, क्यू रिलेट टू 2 एंड आर रिलेट टू 3, इस कंडीशन में ये होगा फंक्शन। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, पी रिलेट टू 1, क्यू रिलेट टू 1 एंड आर रिलेट टू 3, क्या इस कंडीशन में भी फंक्शन होगा? यस, ये इस कंडीशन में भी फंक्शन होगा क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू हमारी रिमेन या खाली नहीं बच रही है। अगर ऐसे केस आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन। ये भी हमारा यहाँ पे एक फंक्शन है, ओके, और ये भी एक फंक्शन हुआ। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, पी रिलेट टू 1 एंड क्यू रिलेट टू 2, जस्ट सपोज करते हैं ये एक हमारा केस है। क्या इस कंडीशन में ये कोई फंक्शन है, इसको हमें चेक करना है कि क्या इस रिलेशन में ये कोई फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो डोमेन की वैल्यू है वो एक रिलेशन नहीं बना रही है। ये गिवन होगा आपके पास में इस कंडीशन में कि ये कोई रिलेशन नहीं बना रही है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ओके। ऐसे ही हमारे पास में पी रिलेट टू 1, जैसे सपोज करते हैं पी रिलेट करती है 1 को और पी रिलेट करती है 2 को एंड क्यू रिलेटेड टू 3, ओके, एंड आर ऑल्सो रिलेट टू 3, तो क्या इस केस में भी एक फंक्शन होगा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक डोमेन की वैल्यू दो दो से रिलेट कर रही है, को डोमेन से, ये पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन,
तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो हमने पढ़ा सबसे पहले फंक्शन क्या करता है। फंक्शन में हमारे पास में डोमेन की कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं बचनी चाहिए। ओके, और इसको मैथमेटिकली आप कैसे कर सकते हो, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसमें जैसे आपको बताया गया है, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यानी कि सेट ए का ईच एलिमेंट किससे करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए सेट बी से। ये सभी आप इसको ये बोल सकते हैं, दिस इज बी, सिमिलरली ए बी, ए बी, तो ये सभी क्या होंगी ए। मैंने इसमें क्या कंडीशन की है, ए और बी की। अब हम देखते हैं, एक तो चेक करने का हमारा मेथड हो गया मैपिंग की हेल्प से। ओके, अब देखते हैं क्या ग्राफिकल मेथड से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई एक कर्व है वाई इजकल टू एफ एक्स, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, तो हम इसमें क्या केस करते हैं कि जैसे कोई भी वैल्यू है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि हमने एक यहाँ पर कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। लेट करते हैं दिस इज द एक्स वन एंड दिस इज द एक्स टू। तो सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे भी एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी वाई वन की और ये वैल्यू वाई टू की। तो क्या ये पॉसिबल है कि फंक्शन है, तो फंक्शन होगा क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमारे पास एक्स वन रिलेट करता है वाई वन से और एक्स टू रिलेट कर रहा है वाई टू से, दैट इज पॉसिबल। सो दिस इज ए फंक्शन, तो ये क्या होगा हमारा, ये फंक्शन होगा। यानी कि इसमें जो क्या होता है कि एक्स वन रिलेट करता है वाई वन से, एक्स टू रिलेट किससे कर रहा है वाई टू से। जैसे अभी हमने समझा है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक्स वन है, दिस इज द एक्स टू एंड यू वाई वन एंड वाई टू, और ये इसको ऐसे रिलेट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे। अब दूसरा केस देखते हैं कि जस्ट सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक ग्राफ है लाइक दिस, और उसमें हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ऐसे। अब हम इस केस में देखते हैं, इस केस में हमारी वैल्यू क्या है, जस्ट सपोज करते हैं दिस इज द एक्स वन एंड दिस इज वाई वन, यहाँ पर एक्स टू है और इसके लिए भी वाई वन वैल्यू आ रही है। तो मैंने जब अभी आपको समझाया उसमें क्या था कि एक्स वन वाई टू, यानी कि इसमें जो डोमेन की वैल्यू होती है प्री इमेज की वैल्यू, वो दो से रिलेट नहीं कर सकती, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, वन वन, मैनी वन, और फिर वन वन के भी टाइप होंगे ऑनटो और इंटो। सिमिलरली मैनी वन के टाइप होंगे आपके ऑनटो और इंटो। अब हम इसके बारे में बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वन वन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन ऑफ ए फ्रॉम टू बी इज वन वन इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट अंडर फंक्शन। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में क्या है, एक जैसे सपोज करते हैं सेट ए एंड दिस इज द सेट ऑफ बी। ओके, एंड देयर आर वैल्यू पी क्यू आर एंड दिस इज वन टू एंड थ्री, और ये कंप्लीट वैल्यू हमारी रिलेट करती है पी रिलेट टू वन, पी रिलेट टू टू एंड पी रिलेट टू थ्री। ओके, यानी कि जो जिससे हम जा रहे हैं वो ओनली एक ही वैल्यू से रिलेट करता है। ये हमारा डोमेन था, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हमारा कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो इससे पता लगा दिस इज द फंक्शन। बट इसमें एक एक के पास ही जा रहा है, यानी कि वन से वन का ही रिलेशन बनाता है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा वन वन रिलेशन, या फिर वन वन इंजेक्टिव, वन वन भी बोल सकते हैं उसको, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ओके, और अब हम देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि ये वन वन का हो गया। जस्ट सपोज करते हैं हमारे पास दिस इज द सेट वन एंड दिस इज द सेट टू,
पी क्यू एंड आर, 1, 2, 3, 4। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारी कंडीशन आ रही है P रिलेट टू 1, Q रिलेट टू 2 एंड R ऑल्सो रिलेट टू 2। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई हमारी। तो हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन है। तो P रिलेट कर रहा है 1 से, Q रिलेट करता है 2 से और R रिलेट करता है 2 से। तो इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है, ये हमारा फंक्शन तो है। बट कौन सा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये हमारी दो वैल्यू, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू एक से रिलेट कर रही है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैनी, और किससे रिलेट कर रही है, वन वैल्यू से, यानी कि मैनी वन रिलेशन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे हमारे एक्सरसाइज में भी, इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि ऑनटो, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है उसको चेक करते हैं। फंक्शन एफ ए फ्रॉम ए टू बी इज ऑनटो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही चेक करते हैं हम लोग। दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, और उसमें हमारी वैल्यू है पी क्यू एंड आर, 1, 2, 3। ओके, वन पी रिलेट टू 1, क्यू रिलेट टू 2 एंड आर रिलेट टू 3। ओके, इस केस में क्या होना चाहिए कि आपका जो सेट बी होगा, सेट बी में कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा एक बच रहा था, यानी कि इससे किसी का भी रिलेटेड नहीं था, 3 और 4 बच रहा था इस कंडीशन में। तो उसको हमने बोला था वन मैनी वन, यानी कि हमारा क्या था, ये 1-1 इंजेक्टिव था। बट उसमें क्या था, मैं उसका एक टाइप था, 1-1 का जो टाइप होता है हमारा मैनी वन के साथ, इसको आप क्या नहीं बोल सकते, ऑनटो नहीं बोल सकते। ओके, और अगर ये कंप्लीट फिल हो जाता है, जैसे ये रिलेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऑनटो। यानी कि ऑनटो कंडीशन में जो आपका ये क्या होती है, हमारी रेंज होती है, दिस इज द रेंज। तो इस कंडीशन में ऑनटो केस में आपका जो कोर डोमेन रहेगा वो शुड बी इक्वल टू रेंज, यानी कि जिससे वो रिलेट कर रहा है, कोर डोमेन की वैल्यू अगर आपकी रेंज के इक्वल आती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो उस कंडीशन में हो जाएगा ऑनटो, ऑनटो फंक्शन। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जस्ट सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, हियर ए बी एंड सी, 1, 2, 3। हम इसमें देखते हैं ए बी रिलेट टू 1 एंड सी रिलेट टू 2। ओके, और 3 क्या हो रहा है, इसमें ब्लैंक वैल्यू है। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि इनका सबका रिलेशन होना चाहिए, वो कोई भी वैल्यू हमारी रिमेनिंग नहीं बचनी चाहिए, तो इसलिए ये ऑनटो नहीं होगा, ये वैल्यू ऑनटो नहीं होगी। जब ऑनटो नहीं होगी तो कौन सी वैल्यू रहेगी हमारी, ये जब कोई वैल्यू ऑनटो नहीं होती तो क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इनटो या फिर 1-1। ओके, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू आ जाएगी, अगर हमारी वैल्यू ये ऑनटो नहीं होगी तो वैल्यू आएगी हमारी इंटो की। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उनकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी हेल्प से देखते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट हुआ पी क्यू आर, अब हमें इसमें ये दिख गया कि पी क्यू आर ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फंक्शन तो है, अब हमें ये देखना है कि ये इनटू या ऑनटो। अब इसमें हम देखते हैं कि कोडोमेन की वैल्यू, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ये रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन की वैल्यू, ये कोडोमेन है हमारी, इसमें वैल्यू है 1, 2, 3,
और इसमें रेंज आ रही है ओनली वन, तो इस कंडीशन में क्या होगा ये होगा मैनी वन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है वन के साथ में बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे हैं सेट ए के, तो ये हो गया हमारा मैनी वन, सो इट इज ऑनटो, ये ऑनटो रिलेशन में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है एक हमारा एलिमेंट ब्लैंक है, जब भी एलिमेंट ब्लैंक होगा और ये टू वन से रिलेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ये मैनी वन और इंटो, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा वन वन, नहीं इसमें आपका क्वेश्चन आएगा मैनी वन, क्योंकि वन रिलेट करता है टू से, तो ये भी हो जाएगा हमारा मैनी वन और इसमें एक ब्लैंक भी है हमारे पास, उस कंडीशन में क्या होगा इंटो। नेक्स्ट, इसमें एक क्यू की वैल्यू रिलेट नहीं कर रही है क्योंकि इसका किसी भी एक वैल्यू से रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट फंक्शन, उस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें भी एक कंडीशन है क्यू और आर रिलेट नहीं कर रहा है, सो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ओके, उसमें आपको चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट, दिस इज पी रिलेट टू थ्री, क्यू रिलेट टू वन एंड आर रिलेट टू टू, ये कैसा फंक्शन है हमारे पास में वन वन, ये हो जाएगा हमारा वन वन। तो आपको याद रखना है कि जिस भी कंडीशन में आपकी कोड डोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल आ जाए, उस केस में आपका क्या होगा, उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑनटो। ओके, और जिसमें आपकी जो रेंज की वैल्यू है वो सबसेट हो कोडोमेन, उस वैल्यू को बोलते हैं इंटो। तो बस आपको ये प्रिपेयर करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।